खाद्य उत्पाद बनाने वाली नेस्ले कंपनी ने मैगी में लेड होने की बात को सुप्रीम कोर्ट में कबूला है। इस मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस कार्यवाही का आधार केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट होगी। आपको बता दें कि किसी भी खाद्य पदार्थ में लेड की मात्रा 2.5 निश्चित की गई है। 2015 में उपभोक्ता संबंधी मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण कानून का इस्तेमाल करते हुए नेस्ले इंडिया के खिलाफ NDRC में शिकायत दर्ज करवाई थी। मैगी की जांच में लेड की मात्रा इससे अधिक पाई गई। यह पहली बार है कि सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(d) के तहत कार्यवाही की है। सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले इंडिया कंपनी पर लगे 640 करोड़ जुर्माने में आगे की कार्यवाही करने की मंजूरी दे दी है।